डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर सीबीआई की पंचकुला अदालत ने जो फैसला दिया है, उसके बाद वहां से जो हिंसा के, आगजनी के, लूटपाट के और पथराव के दृश्य आ रहे हैं, बहुत डरावने हैं, दुखद हैं और त्रासद हैं। अपने आप को हिंसा कहने वाले ये लोग अचानक शैतान कैसे हो गए? क्या यही हमारे देश की संत परंपरा है? इनके अंदर ये हैवानियत किस तरीके से आई? अगर ये संत परंपरा का पालन कर रहे हैं तो ऋषियों और मुनियों की परंपरा वाला ये देश, जहां पर संतों ने तप करके आसुरी शक्तियों से लड़ाइयां लड़ी, वहां पर हम देखते हैं कि एक संत के समर्थक खुद असुर होकर सड़कों पर इस तरह से उत्पात मचाते हैं। ये किस तरह का समाज रचा है हमने? ये किस तरह की परंपरा कायम कर रहे हैं हम? आखिर हम दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि यही हमारी जागरूकता है? आखिर समाज कैसे और कब जागरूक होगा? जरा सोचिए।